तो जो भी आपकी एक बिगेस्ट डिजायर है थोड़ा सा उसको अपने मन में रखिए, क्योंकि अभी हम लोग का जो मेन जो फोकस है, हम लोग थोड़ा सा जो गॉड की जो एनर्जी है उसको हम लोग यूज करेंगे, उससे हम लोग कनेक्ट करेंगे। और कई बार हम लोग जो गॉड की जो एनर्जी है हम लोग उससे कनेक्ट कई बार नहीं करते हैं, कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग चाहते हैं लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। एक छोटा सा भजन है, वो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। ठीक है, आप लोग को सुना के तब आगे बढ़ता हूँ। सो जो मैसेज है कि राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए, ये बड़ा डीपर सा एक मैसेज है। तो कई बार जैसे हम लोग को लाइफ में ना बहुत सी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, हम लोग को वेल्थ अट्रैक्ट करता है, जैसे थ्री फॉर्म्स ऑफ पावर है, हम लोग को वो तीनों अट्रैक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं शीशा मोती तलवार। शीशे का मतलब होता है कि जो स्पिरिचुअल पावर है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वो हम लोग को अट्रैक्ट करता है। इसलिए हम लोग स्पिरिचुअलिटी को किसी न किसी तरीके से हम लोग उसके आसपास, जैसे हम लोग अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक उसी तरीके से हम लोग स्पिरिचुअल चीजों की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं किसी न किसी फॉर्म में। दूसरा फॉर्म है उसको बोलते हैं मोती, जो मनी है, जो वेल्थ है, जो फाइनेंस है, उसकी तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। और तीसरा जो है वो मसल पावर है, जो जो हम लोग कई बार हम लोग बोलते हैं ना नेम फेम पावर, हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो अट्रैक्ट होना एक बात है, लेकिन उस फ्रिक्वेंसी पे रेजोनेट करना ये दूसरी बात है। उसको सिंपल करने के लिए मैं आपको कन्वे कर देता हूँ, जैसे उसको सिंपलीफाई सिंपल वे में कन्वे करता हूँ। जैसे कई बार ना हमें रिचनेस अट्रैक्ट करती है, कई बार हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो जो रिचनेस है, जो मनी है, जो पावर ऑफ मनी है, हमें अट्रैक्ट करता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो नेटवर्थ है या जो हम लोग की जो इनकम है वो 10 टाइम्स हो जाए, अगर वो 30,000 है तो 1 लाख रुपीज हो जाए, वो 1 करोड़ हो जाए, वो चीजें हमें अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन कई बार हम लोग उस फ्रिक्वेंसी तक नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं कर पाते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये तो एक बस एक डायमेंशन है, और ये थोड़ा इजी डायमेंशन है। जो मुश्किल डायमेंशन है वो हम लोग को अपने आप को स्पिरिचुअली रेज करना, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, उस वाइब्रेशन तक अपने आप को रेज करना। सो अभी हम लोग का जो फोकस है वो थोड़ा सा उस पे है, गॉड पे है। तो जो भी आपकी एक डीपेस्ट डिजायर है उस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग उस एनर्जीज में उसको हम लोग थोड़ा सा भेजेंगे, और हम लोग इसका मैजिक देखेंगे कि ये वो चीज होना शुरू हो जाएगी। कई चीजें मैं वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार अपने ट्रू इमोशंस को, एक्सपीरियंस को वर्ड्स में फ्रेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि सपोज कीजिए कोई आपसे प्यार करता है तो वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन में आ जाता है, उसके उसकी उसके बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है, तो वहां उसे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सो जो भी आपकी एक बिगेस्ट डिजायर है, हम लोग थोड़ा सा इस एनर्जीज में उस सिग्नल को भेजेंगे, विथ फेथ विथ ट्रस्ट। जो भी आपकी वन बिगेस्ट डिजायर है किसी एक पे फोकस करेंगे हम लोग, आपकी कोई भी जो भी एक बिगेस्ट डिजायर वो लाइफ की जिस भी एरिया से आ रही हो, बस आपको कोई एक एरिया पे फोकस करना है, एक से ज्यादा पे फोकस नहीं करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एरिया है उस पे फोकस करना है। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के एरिया है, अगर आपकी वो चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो आपकी मेंटल या इमोशनल हेल्थ है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल हेल्थ है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, अपने डिजायर को लेके क्लैरिटी लेना है। और अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट आई वांट, वो क्लियरली कम्युनिकेट करना है, ताकि वो यूनिवर्स को पता चले और आपको भी पता चले कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हो। जैसे मैं एक छोटी सी टेक्निक प्रैक्टिस करता हूँ कई बार, कि मैं अपने आप से ना क्वेश्चन पूछता हूँ कि तुम बताओ तुम चाहते क्या हो, एग्जैक्टली सिचुएशन को डिफाइन करो, और 10 में से 9 बार या कई बार वो हो जाता है कि एग्जैक्ट सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल ऐसा लगता है कई बार कि जैसे लगता है कि भगवान पूछ रहा है कि तुम बताओ एग्जैक्टली चाहते क्या हो, और मैं बोलता हूँ एग्जैक्टली तो मैं यही चाहता हूँ, और वो वही हो जाता है एग्जैक्टली। सो वो क्यों होता है, वो अपने वाइब्रेशन की वजह से होता है कि हम किस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहे हैं। सो अभी हम लोग कलेक्टिवली कनेक्टेड हैं, तो एक जो ग्रुप कॉन्सियसनेस है वो वर्क करेगी। अगर आपकी पर्सनल वीकनेस भी रहेगी तो जो ग्रुप की जो कॉन्सियसनेस है या जो मेरी कॉन्सियसनेस है वो आपको हेल्प करेगी। सो अगर ये हो गया तो आपको चैट में डन करना है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट हमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया कि भगवान ये वाला एरिया तुम ठीक कर दो, और वो कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, क्यों नहीं ठीक हो पाता है, उसका रीजन हम लोग अंदर समझेंगे।
इसको फाइंड आउट करने का ये तरीका होता है, हम लोग की जो टेक्निक है द वन थिंग टेक्निक वाली, जिसमें हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि व्हाट इज दैट वन थिंग वी शुड फोकस, बाय फोकसिंग ऑन दैट इधर एवरी अदर थिंग विल बी इजी और एवरी अदर थिंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड, विल नॉट बी रिक्वायर्ड, विल बी नॉट रिक्वायर्ड. सो ऐसे हम लोग उस वन थिंग का आंसर ढूंढते हैं. कई बार हम लोग की जो फाइनेंशियल इशू होती है वो हमारे बहुत से इशूज का रीजन होती है. केवल हम लोग अपने फाइनेंशियल इशूज को ठीक करके हमारे सारे इशूज ठीक हो जाते हैं. कई बार हमारे जो रिलेशनशिप इशूज होते हैं वो हमारे फाउंडेशनल पेन हम लोग को देते हैं. सो इस तरीके से हम लोग अपना वन थिंग फाइंड आउट करते हैं. और ये आपके पास रिटर्न भी होना चाहिए, आप इसको लिख भी लो जो भी आपका जो वन विश है. और हम लोग उसको क्यों नहीं कर पा रहे, आज हम लोग उसको समझेंगे भी. हम लोग एक सेशन इसकी जरूरत नहीं. आप में से किसी का फर्स्ट सेशन तो मेरे साथ नहीं है ना, आई होप नहीं होगा. अगर है तो फर्स्ट लिख सकते हैं, आई होप नहीं होगा. चलिए कोई बात नहीं, सोच रहे हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे. द एग्जाम ऑफ लाइफ, लास्ट टाइम आपने एग्जाम कब दिया था लाइफ में, आपका लास्ट एग्जाम आपने कितने टाइम पहले दिया था और कौन सा एग्जाम. एक बार हम लोग फिर से आज एग्जाम देंगे, अपना लास्ट एग्जाम आप याद करो. बस हम लोग पास में आते हैं, आपका कॉलेज का टाइम था या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम था, आपका लास्ट एग्जाम कौन सा था. थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू फॉर योर फेथ. एक्चुअली हम लोग कई बार फेथ इसलिए नहीं कर पाते ना, क्योंकि फेथ के अंदर ना करेज होता है, हम लोग करेज शो नहीं कर पाते. कई बार हम लोग फेथ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग ना डरते हैं, हमारा जो करेज होता है ना वो हम लोग नहीं कर पाते. तो चलिए हम लोग ये एग्जाम देखते हैं. सो रेडी है फॉर दिस एग्जाम. हम लोग कुछ फैक्टर्स में अपनी लाइफ को इवेल्युएट करेंगे. कुछ 10 फैक्टर्स हैं जो हम लोग, जिसमें हम लोग की लाइफ के लगभग सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं. हम लोग अपने आप को इवेल्युएट करेंगे कि हम लोग अभी कितने नंबर पे हैं, एंड इट विल बी ट्रू एनालिसिस. अगर रेडी है देन यू कैन टाइप. थैंक यू. सो 10 रियल फैक्टर्स हम लोग की लाइफ के होते हैं, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग की लाइफ कैसी चल रही है. तो आपको सारे फैक्टर्स में अपने आप को आउट ऑफ 10 रेट करना है, फिर बाद में सबको ऐड करेंगे. सो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. अपनी फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस को रेट कीजिए आउट ऑफ 10. हम लोग नॉर्मली 6 करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसको, ये एक अपडेटेड है, हम लोग 10 एरिया को हम लोग डिस्कस करेंगे. अपनी फिजिकल हेल्थ को रेट कीजिए. अगर परफेक्ट है तो 9-10 समथिंग होगी, जितनी वीक है आप उतना करना, आपको नोट करना है इसे. आउट ऑफ 10 अपनी फिजिकल हेल्थ को. अगर बिल्कुल परफेक्ट है, अगर आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, स्ट्रांग हैं, आपकी लाइफ में कोई मेडिसिन नहीं है, तो आउट ऑफ 10 आप 9-10 कर सकते हैं. और जितना आप अपने हेल्थ पे कम ध्यान दे पा रहे, अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने फिटनेस पे, जितना आपका एनर्जी लेवल डाउन है या कुछ डिजीज आपको हो चुका है, आप कैरी कर रहे हैं एनी फॉर्म ऑफ डिजीज, तो आप अपनी रेटिंग उसी हिसाब से कम करते जाएंगे. नेक्स्ट, अपने मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ को रेट कीजिए. और जैसे जैसे हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते जा रहे हैं और पोस्ट कोविड ये इसको बीट करने वाला है या इसके आसपास आने लग रहा है. मतलब जैसे मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले बहुत कम थे इंडिया में, लेकिन अब बहुत तेजी से ये बढ़ रहे हैं और आगे भी बढ़ने वाले हैं. बहुत इसके बहुत से फैक्टर्स हैं.
क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और बहुत से हम लोग अपरूटेड हो रहे हैं बहुत से रीजन से उसके, सो इसको रेट कीजिए। नहीं, मेंटल इमोशनल हेल्थ को आउट ऑफ 10 जो भी ट्रू एनालिसिस आपको करना है, अगर अच्छा है तो रेटिंग ज्यादा, जितना वीक है उतना कम। और आप पेपर पे भी आपको लिखना है, लास्ट में लोग ऐड करेंगे। थर्ड, आपका रिलेशनशिप, आपका मैरिटल लाइफ, इसको रेट कीजिए। मैरिज भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने रिलेशनशिप को आप कितना, आपका जो जो मैरिटल रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप का जो ये एंगल है, जो इंटीमेट साइड ऑफ रिलेशनशिप है, इसको आप रेट कीजिए। यहाँ पे हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे क्या अपने आप को आप रेट करेंगे। नेक्स्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप कितना, आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वो कैसी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली यहाँ इनको आप कितना इंपॉर्टेंस दे पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग की लाइफ में बहुत तरह की इमोशनल सपोर्ट की हम लोग को जरूरत होती है और वो अलग अलग इमोशनल सपोर्ट अलग अलग एरिया से आते हैं, तो हम लोग लगभग सारा कैरी कर रहे हैं, सारा कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट, फन एंड रिक्रिएशन, कितना अपनी लाइफ में आप टाइम निकालते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, उन एक्टिविटीज पे वर्क करने के लिए जिसमें आपको केवल मतलब मजा आता है, जस्ट बच्चों के साथ खेलना, मूवी जाना, प्लान को ट्रिप करना, कुछ भी। सो इस फैक्टर को रेट कीजिए। नेक्स्ट, अपने करियर से आप कितना सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम अपने करियर में स्पेंड करते हैं। और अगर आप हाउसवाइफ हो तो वो भी करियर है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करियर है। तो आप अगर एक हाउसवाइफ हो तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप कुछ इन्फीरियर हो, आपका कोई करियर नहीं है। आपका जो भी फुल टाइम जॉब है वो आपका करियर है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से कर पा रहे हो उसी तरीके उसी में आपको अपने आप को देखना है, क्योंकि हम लोग की लाइफ का एक बड़ा हिस्सा हमारे करियर में जाता है। और कई बार हम लोग अपने डर की वजह से हम लोग जो करना चाहते हैं उधर हम लोग जंप ही नहीं कर पाते, उधर एंटर ही नहीं कर पाते अपने डर की वजह से, हम लोग पूरी लाइफ सफर करते रहते हैं। कई बार जॉब में ऐसा होता है, तो जॉब की अपनी अलग प्रॉब्लम है और सेल्फ एम्प्लॉयड की अपनी अलग प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, अपने पर्सनल डेवलपमेंट को आप रेट कीजिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग अपने एज ए पर्सन ग्रो नहीं कर रहे हैं तो हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग एज ए पर्सन इवॉल्व नहीं हो रहे हैं तो हम लोग अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने हायर गोल को बिना अपने पर्सनल डेवलपमेंट के बिना उसको अचीव नहीं कर सकते। तो हम लोग की जो सोसाइटी है वो दो हिस्से में बटी हुई है, कुछ वो जो ग्रो कर रहे हैं, कुछ वो जो आगे किसी जन्म में सोचेंगे कि ग्रो करेंगे, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट। सो देन नेक्स्ट, अपने फाइनेंसेस को रेट कीजिए, कि हम लोग मनी वाइज हम लोग की क्या रियलिटी है। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को रेट कीजिए आप, फाइनेंशियली आप कितना अपने आपको, देन अपने जो गिविंग एंड कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये होता है कि देखिए जैसे इसका मतलब केवल डोनेशन से नहीं होता है कि आप डोनेट कीजिए, गिविंग एंड कंट्रीब्यूशन का मतलब, क्योंकि देखिए उसका इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है ना कि जैसे हम लोग की फैमिली है, जैसे हम लोग की फैमिली होती है, हमारे रिलेटिव होते हैं, हम लोग की जो सोसाइटी है ना वो भी एक फैमिली है, हमें अपनी सोसाइटी को फैमिली की तरफ हम लोग देखना, हमें मतलब जैसे हम लोग की फैमिली है, हम लोग की सोसाइटी एक बिगर फैमिली है,
क्योंकि हम लोग 24 घंटे घर में नहीं रहते, हम लोग बाहर निकलते हैं, एक बिगर फैमिली में जाते हैं, तो हम लोग अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कई बार हम लोग को लगता है कि ठीक है हमने डोनेट कर दिया, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दैट इज द इजिएस्ट, दैट इज द मतलब सबसे जो वीक तरीका है वो ये कि ठीक है हमने कुछ पैसे किसी को दे दिए और हमें हम खुश हो रहे हैं, उन चीजों से ना हमारा ईगो बूस्ट होता है केवल। और अगर हम लोग के लाइफ में ना अगर कोई मेंटर नहीं होगा या वीक मेंटर्स होंगे तो हम लोग उस पाथ पे जाते हैं जहां पे हमारा बस ईगो बूस्ट होता है और बाद में लोग रिग्रेट करते हैं, क्योंकि जब हम लोग का ईगो बूस्ट होता है ना तो हम लोग वो हमारी लाइफ में ना कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करता है, वो हमें अंदर से भरता नहीं है, हम लोग की वाइब्रेशन को वो चेंज नहीं करता है। सो आई होप मैं कन्वे कर पा रहा हूँ। सो गिविंग एंड कंट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर हम लोग अपने टाइम का, अपने अटेंशन का, अपनी एनर्जी का ठीक से यूज कर रहे हैं तो पहले हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है हर तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। उसके बाद हमें एक जो बिगर विजन है, हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने कुछ पैसे डोनेट करके कुछ कर रहे हैं तो मतलब मैं उसको स्टूपिड वे बोलता हूँ कि दिस इज द स्टूपिडिटी, इतना ईजी नहीं होता है। जैसे एक फैमिली बनाना ईजी नहीं होता, एक हैप्पी फैमिली बनाना ईजी नहीं होता है, उसी तरीके से एक हैप्पी सोसाइटी बनाना भी ईजी नहीं होता है, और वो भी हम ही लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे हमारी फैमिली ठीक चले वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारी जो बिगर फैमिली है ये ठीक चले ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो अगर ये मैं मैसेज कन्वे कर पाया देन यू कैन, आप लोग उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये जो नाइन्थ पॉइंट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जैसे चाहे हम हो चाहे हमारे जो बच्चे, हमारे जो अगले जनरेशन है, वो जाते ना ये जो बिगर फैमिली जिसको सोसाइटी बोलते हैं वो उसी में जाते हैं। तो आई होप मैं जो वर्ड्स में कन्वे कर पाया, और ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं हम लोग को सिखाया जाता है, इसीलिए हम लोग वो सब सोचते ही नहीं है। एंड द टेंथ इज द स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो अब इन दसों में आपने जो भी रेट किया है आउट ऑफ 100, अब आपका मार्क्स क्या है आप वो शेयर कीजिए। 9 पॉइंट, आई होप मैं उसी को काफी देर तक एक्सप्लेन किया। 9th पॉइंट का इन शॉर्ट मतलब ये है कि हम लोग अपनी सोसाइटी में, अपनी कंट्री में, स्पेशली सोसाइटी उसको बोल सकते हैं क्योंकि कंट्री के नाम पे भी हम लोग को बहुत ज्यादा हम लोग के माइंड में गलत मैसेज डाला जाता है कि ये मेरी कंट्री, ये उसकी कंट्री, ये दोस्त कंट्री, ये दुश्मन कंट्री। हम लोग के लाइफ में जो वर्स्ट मेंटर्स होते हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं, लेकिन सैडली हमें से ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन से ही सीखते हैं। सो आउट ऑफ 100 अब अपने आपको रेट कीजिए। ये 10 फैक्टर थे, आउट ऑफ 10 हम में से सब में अपने आपको रेट किया। अब आउट ऑफ 100 आप कितने मार्क्स में अपना मार्क्स अब देखिए। 53, 57, 76, 62, 56, 65, 60, 61, श्रद्धा जी 33, राजेन जी 77, 66, 70। यहां से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम लोग अपनी लाइफ में कितना, हम लोग की लाइफ में एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है, हम लोग को कितना ग्रोथ करने की जरूरत है। और इसका आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इसमें जो भी आपका सबसे वीकेस्ट है उसको आप अंडरलाइन करके उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बना दीजिए। जो भी आपका वीकेस्ट है उसको आप फोकस देंगे, इस तरीके से हम लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लैरिटी मिला कि ठीक है मतलब हम लोग की जो पोटेंशियल है या हमें कितना और ग्रो करना है, कितना और सीखना है, कितना और अपने आप को एक्सपेंड करना है, अगर आपको ये क्लैरिटी मिला देन यू कैन टाइप क्लैरिटी। अगर आपको इससे क्लैरिटी, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन मिल रहा है, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि नहीं ठीक है मतलब ये अभी मैं मान लीजिए 53 पे हूं तो मुझे इतना ग्रो करना है, अभी मैं 63 पे हूं तो मुझे 40% ग्रो करना है, हम लोग को एटलीस्ट 90 पे तो जाना चाहिए ना, तभी तो वो उस स्टेट में आएंगे ना, ताकि हम लोग एक जो एक डीप सेटिस्फेक्शन की जो फीलिंग होती है, अगर यहाँ तक आप फील कर पा रहे हैं एक्सप्रेस। सर जी कोई भी क्वेश्चन आप चैट में कर सकते हैं, हम लोग लास्ट में दबाइस क्यों नहीं करेंगे।
अगर इस एक्टिविटी के बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी आई, आपको एक मोटिवेशन आया, आपको एक इंस्पिरेशन आ रहा है, जो भी इमोशन है आप उसको एक्सप्रेस कीजिए। ओके अंडरला जी, कोई अगर रियल इशू है तो हम उसको देख लेंगे। आप कोशिश करिए, लाइव तो लाइव ही होता है, लेकिन कुछ इशू है तो So, यहाँ तक हम लोग साथ हैं। सो व्हाट इज द इमोशन ऑफ द मोमेंट, आप वो शेयर कीजिए। इस एक्टिविटी के बाद आपको कैसा लग रहा है, जो भी आपकी ट्रू फीलिंग है आप वो शेयर कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे। सो जो भी इमोशन ऑफ द मोमेंट है आप वो शेयर कीजिए, फिर हम लोग My financial health is poor, contribution is zero, so I'm a bit confused how to focus on contribution in such a financial condition. Sarath ji, आपका question बहुत अच्छा है। आपके question का answer ये कि अभी आप contribution को भूल जाएगी, अभी आप केवल अपने finances पर focus कीजिए, क्योंकि कहावत है ना, charity begins from home। तो एक साथ आप कई चीज करने की कोशिश करोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। So एक question होता है वो, जैसे जिससे हम लोग कभी भी आपको confusion हो तो आपने आपसे question पूछ सकते हो कि वॉट आई कैन डू, आप इसको लिख लो, ये बहुत अच्छी सी टेक्निक है, एंड वॉट आई शुड डू। हम लोग को हमेशा फोकस अपने शुड पे करना चाहिए। जैसे कई बार जब हम लोग यंग होते हैं ना, तो हम लोग से यही मिस्टेक होती है, हम लोग अपने शुड पे फोकस नहीं करते हैं, अपने कैन पे फोकस करते हैं। जैसे कैन के आंसर में बहुत कुछ आता है कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट आई शुड डू से हम लोग को इसका आंसर ढूंढना चाहिए। सो आई होप मैं आपको आंसर कर पाया। अभी आप भूल जाओ कंट्रीब्यूशन की। पहले कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि गिविंग वो करता है जो स्ट्रांग है, जो वीक होगा वो कैसे गिविंग करेगा, पहले आप स्ट्रांग तो हो जाओ। शुड मीनिंग हमें क्या करना चाहिए, कैन का मतलब मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे आपने आपसे क्वेश्चन पूछो कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो हम लोग कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग कर तो बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या चाहिए। जैसे अगर हम एज ए नेशन की बात करें तो इंडिया को करना क्या चाहिए, इंडिया को एज ए नेशन सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि अपनी बाइंग पावर बढ़ाए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर करे, ऑनेस्टी को सीखे। लेकिन इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया टीवी देख रहा है, इंडिया प्रोपेगेंडा का पार्ट बन रहा है, इंडिया आईपीएल देख रहा है, तो इंडिया सफर कर रहा है। सो हमें ऐसे इंडिया का पार्ट नहीं बनना है, मतलब हमें ऐसे सोसाइटी का पार्ट नहीं बनना है। मैं कोई कंट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, आई होप मैं मैसेज कन्वे कर पाया। सो अगर हम लोग यहां तक साथ हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस, ताकि हम लोग आगे बढ़े और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आएंगे, और वो दैट इज दिस। So what is the answer to this question? Why most of us are struggling for the long time or entire life? कई लोग पूरी life struggle करते हैं, and this is the truth. And this is the truth. क्योंकि मैं जिस field में, मुझे life पे ही work करना होता है, और ये मेरा बचपन से passion था, मैंने life पे ही work किया है। मुझे life को ही study करना होता है, चाहे वो book से, चाहे वो training से, चाहे वो work करके, चाहे वो कैसे भी। So what is the answer to this question? और आप अपना आंसर पे आप फोकस हमें करना है, कि क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन जो जिसको हमें सक्सेसफुल बनाना है वो हम होने चाहिए, उसके बाद हम लोग किसी और की चिंता कर। दिस इज द राइट वे ऑफ ग्रोइंग, दिस इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग, दैट इज कॉल्ड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम पहले खुद को स्ट्रांग करके ही किसी को स्ट्रांग कर सकते हैं, दिस इज द राइट वे। सो व्हाट इज द आंसर टू दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने एक्सपीरियंस से आंसर दीजिए इसका। अपने एक्सपीरियंस से आंसर दीजिए।
फियर फैक्टर, पैटर्न, थॉट प्रोसेस, बिकॉज हम लोग अपने वीक पार्ट पर वर्क करने की बजाय स्ट्रेंथ पार्ट पे फोकस करते रह जाते हैं. ओके, लैक ऑफ डिसिप्लिन, अनसिक्योरिटी एंड फियर, ओन थॉट पैटर्न्स, नॉट बीइंग फोकस्ड, लैक ऑफ अवेयरनेस ड्यू टू आवर इमोशन, मैनेजिंग इमोशन. अगर आपने पहला आंसर दे दिया तो फिर सेकेंड क्वेश्चन है वाई, उसके पीछे का भी रीजन बताइए. They never introspect and think. ये जो भी रीजन है नॉट हैविंग क्लैरिटी उसका भी आंसर बताइए, वाई ऐसा क्यों है, ओवर थिंकिंग क्यों, हमारा बिलीफ सिस्टम क्यों वीक रह जाता है. एपिजेनेटिक्स, कन्वेंशनल सिचुएशन, और वाई में जाइए क्यों, और इसको डिग आउट कीजिए विदाउट प्योर गाइडेंस. आप जो भी आंसर करना उसके बाद दोबारा से क्वेश्चन है वाई कि ऐसा क्यों है, उसको आप आंसर कीजिए. वी हैव नॉट लर्न, इट इज नॉट टॉट इन स्कूल. कुछ लोग के आंसर जो थोड़ा थोड़ा पास जा रहे हैं वो एक तो राजीव जी का है विदाउट प्योर गाइडेंस, दूसरा जो आंसर थोड़ा ठीक है प्रॉपर गाइडेंस विदाउट, वी हैव नॉट लर्न इट, इट इज नॉट टॉट इन स्कूल, नो प्लानिंग फॉर एनी वर्क. क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, वर्क में कोई प्लानिंग नहीं होना इसका उसके पीछे क्या रीजन है, टू मच फोकस ऑन अदर वाई इसका क्या रीजन है, बिलीव सिस्टम वीक है उसका क्या रीजन है. सो कुछ रीजन अब मैं शेयर करता हूं, नॉट गिविंग अप. अब पूछते जाएगी वाई, फोकस क्यों नहीं क्लियर है, लेजीनेस क्यों है, आप उसको डिग आउट करते जाओ वाई वाई वाई. कुछ रीजन मैं आपको शेयर करता हूँ. सो द रीजन नंबर जीरो इसको बोलता हूँ, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट बट नॉट वाइज, बिकॉज वी आर इंटेलिजेंट बट नॉट वाइज, क्योंकि इंटेलिजेंट होना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है. देखिए हम लोग का ब्रेन उतना ही डेवलप होता है उसको जैसा चैलेंजेस मिलता है, हम लोग का ब्रेन उतना ही इवॉल्व होता है जितना उसको चैलेंज मिलता है, या जिस तरह के वो आउटकम सेट करेगा उतने को ही अचीव करने के लिए उतना ही वो ग्रो करता है. सपोज कि जो कोई पर्सन है उसका आउटकम ये है कि वो मान लीजिए कि वो अपनी लाइफ में एक चाहता है, वो मान लीजिए इंडिया का बेस्ट एक्टर बनना चाहता है, तो अब उसका ब्रेन उतना डेवलप होगा. कोई पर्सन है उसको लग रहा है कि बस ठीक है जॉब चल रही है ना, ठीक है जॉब चल रही है, खर्चे चल रहे हैं, टाइम पे सब कुछ हो रहा है, तो उसका ब्रेन उतना ही डेवलप होगा. अगर कोई पर्सन है वो चाहता है कि नहीं मुझे तो प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो उसका ब्रेन उतना डेवलप होगा. सो वी आर इंटेलिजेंट इवन कनिंग समटाइम्स बट नॉट वाइज. अगर हम लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में इंटरनल पीस, जो भी हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी की चीजें हैं, लव, ब्लीस, पीस, हैप्पीनेस, जो भी हायर वाइब्रेशन के जो इमोशंस हैं, अगर हम लोग उसमें ज्यादा समय तक रहना चाहते हैं, जैसे जिस इमोशंस में संत रहते हैं, ट्रू सेंट्स रहते हैं, सो दिस इज द रीजन नंबर जीरो. अगर आप इसको रिलेट कर पा रहे हैं देन यू कैन एक्सप्रेस, हालांकि थोड़ा सा इसको समझना में मुश्किल हो सकता है. जैसे मतलब अब थोड़ा सा मैं वन टू वन कम करता हूँ, पहले बहुत ज्यादा करता था. तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक सेशन किया एक कपल के साथ, तो उसमें जो लेडी है वो मतलब वो मैरिज को थोड़ा सा की वैल्यू नहीं समझ रही है, या उनका जो नेगेटिव बायस है वो डोमिनेट कर रहा है उनके ऊपर. उनके साथ सिचुएशन क्या है ना कि वो एक पेनफुल पाथ पे जा रही है केवल अपने इंटेलिजेंस की वजह से, उनका इंटेलिजेंस उनकी लाइफ को स्पॉइल कर रहा है. और कई बार क्या होता है ना, हम लोग को बाद में समझ में आता है, हम लोग को ना तुरंत नहीं समझ में आता है. जैसे कोई भी सीड जब हम लोग डालते हैं ना तो उसको टाइम लगता है ना, तो कई बार लाइफ की सिचुएशन ऐसी होती है. जैसे कई बार क्या होता है कुछ लोग अपनी लाइफ में सिनफुल एक्ट करते हैं, तो वो उनको तब लगता है कह रहे चलो छोटी बात है, लेकिन वो एक छोटा सा बीज है जो बाद में बहुत बड़ा होकर आता है हम लोग की लाइफ में. सो हम लोग आते हैं मेन रीजंस पे.
सो दिस इज द रीजन नंबर वन. बिकॉज वी आर नॉट इन लव विथ आर आउटकम गोल अ डीपेस्ट नीड अ डिजायर. सो दिस इज द रीजन नंबर वन. हम लोग का जो गोल है ना, हम लोग का जो आउटकम है या जो डीपेस्ट नीड है या जो डिजायर है, से हमें प्यार ही नहीं हुआ है. या सिंपल लैंग्वेज में, वी आर नॉट कमिटेड टू आर न्यू रियालिटी. सो अगर आपके साथ ये केस है, देन यू कैन राइट इट्स मी. जो भी ट्रुथ है आपको लिख देना. आपका जो डिजायर्ड रियालिटी है, आपको उससे भी प्यार ही नहीं हुआ. आप नहीं हो कमिटेड उसके लिए, क्योंकि उसके लिए कमिटेड होते ना हम लोग तो, मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, कोई नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं होते हैं. उनका प्यार बड़ा कच्चा होता है कि ठीक है, आसानी से लड़की घर वाले हाँ बोल देंगे तो ठीक है, अगर ज्यादा झंझट होगा तो कोई बात नहीं, किसी से भी शादी कर लेंगे. ऐसा ही हो रहा है. ये आसानी से हो गया सब कुछ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी और से शादी कर लेंगे. किसी और से शादी का मतलब किसी और प्रोफेशन से कर लेंगे, कोई बात नहीं, कम से काम चला लेंगे, ऐसे चला लेंगे. सो अगर आपसे ये मिस्टेक हो रहा है, देन यू कैन राइट. आपका जो भी स्टेटस है इस पॉइंट पे शेयर कीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो दिस इज द रीजन नंबर वन. आपका जो आउटकम है, जो गोल है, जो डीपेस्ट आपकी नीड है, डिजायर है, वो आपके ड्राइविंग फोर्स सीट पे बैठा ही नहीं है. वो आपको ड्राइव नहीं कर रहा है. और जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी वो ये मिस्टेक नहीं करते. वो लोग हमेशा हमेशा अपने अपना गोल ड्रिवन होते हैं, क्योंकि उनको क्लियर होता है, क्योंकि ना उनको अटैचमेंट होता है उसके लिए, वो कमिटेड होते हैं. जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, मुझे पॉलिटिक्स फील्ड थोड़ी पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा सा उधर से ज्यादा एग्जांपल देता हूँ. आप देखो राहुल गांधी कितने इलेक्शन वो मतलब हार चुके, उसके बावजूद भी वो लगे रहे. अब जाके कर्नाटका में छोटी सी सक्सेस मिली. सो दिस इज कॉल्ड टू बी इन लव विथ आर आउटकम. पॉलिटिशियन से हम लोग ये चीज सीख सकते हैं. आप देखो कितने वो फेल होते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर भी उनके माइंड में क्लियर रहता है कि नहीं, मुझे तो सीएम बनना है, मुझे तो पीएम बनना है, हमारी तो सरकार चाहिए. सो इस पे जो भी आपका स्टेटस है, आप वो शेयर कीजिए. अगर आपसे भी मिस्टेक हो रहा है, देन यू कैन राइट. क्योंकि ये मिस्टेक हुआ तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे. सो यहाँ पे आपका जो भी सिचुएशन है, आप शेयर कीजिए. अगर आपको लग रहा है कि इट्स माई मिस्टेक, तो इट्स मी. अगर आपका मिस्टेक नहीं है, देन यू कैन राइट इट्स नॉट मी, कि आप ये एग्जाम पास कर गए. और जो भी ट्रुथ है आपको, वो शेयर करना है. और आज ही अपनी इसको आप चेंज कर सकते हो. आप क्योंकि अगर आपसे ये गलती हो रही है, अगर आपसे ये गलती हो रही है, फिर आप कुछ भी कर लो, कोई भी कोर्स आप बाय कर लो, यूट्यूब पे आप दिन भर टाइम खराब करते रहो, आप कितने भी बुक पढ़ लो, आप वो सब ना आपको एंटरटेन तो करेंगी. एंटरटेन का मतलब कोई भी ना नई थॉट्स, हमें मजा आता है अपने इंटरेस्ट की चीजों को देखना, पढ़ना, सुनने में हमें मजा आता है. तो टेम्पररी प्लेजर तो आपको मिलेगा, लेकिन ना आप मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ आपको. जैसे यूट्यूब पे आप में कितने लोग यूट्यूब से सीखते हैं, मतलब अगर आप यूट्यूब लर्नर हो, देन यू कैन राइट ULY फॉर यूट्यूब, L फॉर लर्नर. अगर नहीं हो तो आप लिखिए, नहीं है तो आप वो भी लिख सकते हो. अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अदरवाइज YouTube पे जितने भी सक्सेसफुल चैनल है, मतलब उसमें से 95% टू 99% वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, वो स्टूडेंट्स होते हैं या अनएम्प्लॉयड होते हैं, या वो जॉब करते हैं पार्ट टाइम में, वो जस्ट कुछ चीजों को वो करते हैं. तो उनसे आपको वाइब्रेशन नहीं मिलता है, वो वहां से आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे अपने आप को. लेकिन अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऑथर्स की कुछ बातें बताते हैं. तो आई होप मैं मैसेज कन्वे कर पाया. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. अगर आपको अपने आउटकम से, अगर आपको अपनी न्यू रियलिटी से, अगर आपको अटैचमेंट ही नहीं है, प्यार ही नहीं है, कमिटमेंट ही नहीं है, तो फिर तो लाइफ में तो होना ही नहीं है ना. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. अगर हम लोग यहां तक साथ हैं, देन
उस पे भी आएंगे हम लोग, उसका भी रीजन मतलब. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. और आप ये किसी भी देखना, जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी आप उन सबकी लाइफ को देखना, उनके एक्शन को देखना, उनके बिहेवियर को आप देखना, उनकी लाइफ में कुछ भी मिसिंग हो लेकिन ये फैक्टर मिसिंग नहीं होता है. उनकी जो पूरी लाइफ है ना, उनके इसी से ड्राइव होती है. सो हम लोग यहाँ तक साथ हैं, देन यू कैन एक्सप्रेस एंड व्हाट इज द इमोशन ऑफ द मोमेंट. फिर हम लोग जाएंगे रीजन नंबर टू पे, जो इससे भी बड़ा रीजन है एंड जो मेन रीजन है हम लोग की स्ट्रगल का. सो व्हाट इज द इमोशन ऑफ द मोमेंट, इसको आप एक्सप्रेस कीजिए. फिर हम लोग सेकेंड रीजन पे जाएंगे जो इससे भी बड़ा है और जो मेन रीजन है. वहां पे 99.99% लोग फेल होते हैं. स्पेंड मनी एंड द रीजन नंबर टू इज बिकॉज वी आर नॉट इन लव विथ द वन मेंटर. बिकॉज वी आर नॉट इन लव विथ द वन मेंटर. हम लोग अभी तक अपनी लाइफ में एक ऐसा मेंटर ढूंढ ही नहीं पाए हैं जिसपे हम लोग ट्रस्ट कर पाए, जिसपे हम लोग सरेंडर कर पाए, जिसपे हम लोग छोड़ पाए, जिसपे जहां हम लोग करेज शो कर पाए, जिससे हम लोग एक्सपेक्ट करें कि हाँ, ही इज द पर्सन हु विल चेंज माई लाइफ. सो दिस इज द रीजन नंबर टू, नॉट एबल टू सरेंडर टू वन मेंटर. सो दिस इज द रीजन नंबर टू. इस चीज को समझिए. देखिए, हम लोग की लाइफ में जो चेंज है, हम लोग की लाइफ में जो चेंज का जो फास्टेस्ट प्रोसेस है, वो कोई ना कोई दूसरे पर्सन के थ्रू आना है. अगर आपको लग रहा है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से अपनी लाइफ चेंज कर लोगे, तो वो बहुत स्लो प्रोसेस होना है. वो इतना स्लो प्रोसेस होना है कि शायद ये जन्म ही निकल जाए. तो इस चीज को लेके अपना स्टेटस शेयर कीजिए. इस बात को हम जितना जल्दी समझ जाएंगे, उतना फास्ट ग्रो करेंगे. कर रहे हैं वो लोग, इस चीज को समझ चुके हैं. क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात समझिए, हम लोग की लाइफ में जो चेंज किसी मेंटर के थ्रू आ सकता है, वो चेंज ना भगवान भी नहीं ला सकता है. इस चीज को समझिए. हम लोग की लाइफ में ना जो चेंज किसी मेंटर के थ्रू आ सकता है, वो चेंज भगवान भी नहीं ला सकता है. हालांकि जो भगवान की जो पावर है, वो भगवान की पावर, मैं उसको डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इसकी पावर है, हमें ये समझना पड़ेगा. जो लोग हाईली सक्सेसफुल हैं, वो लोग इस चीज को समझ चुके हैं और इसको जीना शुरू कर चुके हैं और अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज भी करना शुरू कर चुके हैं. क्योंकि देखिए, हम जो रियलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, कोई कर चुका है और वो हमें बता सकता है कि हाउ टू ब्रिंग दैट शिफ्ट. दैट इज द इजीएस्ट, फास्टेस्ट और सबसे मोस्ट सर्टेनिटी का पाथ होता है. और सब कोई अल्टरनेटिव नहीं है. आप सोच रहे हो बुक से अपने आप को चेंज कर लोगे, आप सोच रहे हो यूट्यूब से अपने आप को चेंज कर लोगे, आप सोच रहे हो किसी बस एक दो कोर्स से अपने आप को चेंज कर लोगे, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. आप अपनी लाइफ में देखो, आपकी लाइफ क्या बोल रही है. मेरे कहने से मत मानो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ इन सब चीजों को. सो इस चीज को, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हम लोग करते हैं. क्योंकि हम लोग को ना हर चीज सीखने की जरूरत है कि हाउ टू डू, वॉट टू डू, हाउ टू डू, वॉट टू डू, वॉट टू डू, हाउ टू डू. सुबह के 3 घंटे क्या करें, दिन भर क्या करें, काम को कैसे मैनेज करें, माइंडसेट कैसे ठीक करें, बिजनेस में क्या करें, हम लोग को सब सीखने की जरूरत है. और हम खुद को एजुकेट करेंगे, दैट इज अ वेरी स्लो स्लो प्रोसेस. सो अगर आप इस बात को एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, जो भी आप उसको, सो इस चीज को थोड़ा सा इनवाइट करने की कोशिश कीजिए. और एक दो और मैं मैसेज करने लगता हूँ. कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को लगता है कि हमें मिला ही नहीं अभी तक ऐसा, जहाँ पे हम जिसपे ट्रस्ट कर सके, जिसपे जो बहुत ऑथेंटिक हो, जो बहुत प्योर हो, जो बहुत डॉट 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 जो भी है. मतलब आप ये देखो, अपनी लाइफ को देखो आप.
कि आपको ऐसा फ्रेंड मिला, आप कहोगे नहीं फ्रेंड भी मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है, पार्टनर भी ऐसा नहीं मिल रहा है। तो कमी दुनिया में नहीं है, कमी आप में है, इस चीज को आप समझिए। क्योंकि देखिए जो मेंटर नहीं ढूंढ पाएगा ना वो कुछ नहीं ढूंढ पाएगा। जरूरी नहीं कि एक मेंटर सभी फील्ड में पारंगत हो। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि नीता जी एक मेंटर सभी फील्ड में पारंगत हो, लेकिन देखिए हम लोग ना सभी फील्ड में स्ट्रगल नहीं करते हैं, हर एक फील्ड में स्ट्रगल नहीं करते हम लोग, किसी एक ही या दो चीज में ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। हर चीज सीखने की जरूरत नहीं है हम लोग, आप हम स्ट्रगल किस पॉइंट पे कर रहे हैं बस उसी चीज को सीखने की जरूरत है। अगर हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें वो सीखने की जरूरत है, हम लोग रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें वो सीखने की जरूरत है। हम लोग सभी चीज में स्ट्रगल करते भी नहीं है, कई चीजें हम लोग कर लेते हैं क्योंकि मतलब कोई ऐसा हम लोग फर्स्ट थोड़ी है हम लोग, क्योंकि बहुत सी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है अपने पेरेंट्स से, अपने एंसेस्टर से बहुत चीजें सीखा है, लेकिन बहुत सी चीजें नहीं भी सीखा है। तो इस चीज को थोड़ा सा इनवाइव कीजिए इस चीज को, क्योंकि ये मिस्टेक हम लोगों से हो रहा है। सो आप जिससे भी रेजोनेट करो, जो भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगे आप, और जो वन मेंटर के कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करो, आप ये मत सोचो कि नहीं ठीक है थोड़ा सा दही इधर से ले लिया थोड़ा सा दही उधर से ले लिया। वो बोलते हैं ना लव ऑल ट्रस्ट फ्यू फॉलो वन, जो भी आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ है, चाहे वो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है, चाहे वो आपका बिजनेस ग्रोथ है, जो भी आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। जैसे कुछ मेजर चीजें हम लोग को सीखनी होती है, जैसे अपने माइंडसेट को कैसे ठीक करें वो हमें सीखना होता है, बिजनेस के स्किल्स को कैसे ठीक करें, जो भी आपकी लाइफ के सबसे की एरियाज है वो हमें सीखना पड़ेगा। सो द मैसेज इज आपकी लाइफ में चेंज किसी एक पर्सन से आने वाला है। अब वो पर्सन जो है वो आपको ढूंढना ये आपका काम है, क्योंकि देखिए और ये आप तभी ढूंढोगे जब आप अपने आउटकम से ऑब्सेस्ड होगे, जब आप अपने गोल से ऑब्सेस्ड होगे तभी आप ढूंढोगे। जब आपको पता होगा मुझे लाइफ में कुछ करना है तभी तो आप ढूंढोगे ना कि हाँ ये मेरी हेल्प कर सकता है। जब आपको कुछ करना ही नहीं तो फिर आप ढूंढोगे क्यों? सो दिस इज द मैसेज। सपोज कीजिए कि मान लीजिए मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं ढूंढूंगा ना कि कौन मुझे प्रधानमंत्री बना सकता है। अगर मुझे कुछ बनना ही नहीं है तो फिर मुझे किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं। ये चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वैसे ही है। मैं फिर से स्लाइड को पीछे करता हूं। सो दिस इज द पॉइंट व्हाई मोस्ट ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग फॉर द लॉन्ग टाइम और इंटायर लाइफ। बहुत से लोग पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रह जाते हैं अलग अलग एरियाज में। कोई अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा है, कोई अपने फाइनेंसिस को ठीक नहीं कर पा रहा है, किसी को स्पिरिचुअलिटी नहीं समझ में आ रहा है, किसी को ऑनेस्टी नहीं समझ में आ रहा है। इज इट ट्रू? क्या जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? देखिए यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ अस है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल है, आप उसमें ना आओ उससे बचाना ये मेरी जिम्मेदारी है, जिस जिम्मेदारी को मैं पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। एंड फिर से क्यों है ऐसा हो रहा है? आपका माइंड पहले कहेगा बिलीफ वीक है, ये वीक है, वो वीक है, हैबिट ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। तो वो ठीक कैसे होगी? बुक पढ़ने से ठीक नहीं होगा, वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने से ठीक नहीं होगा, एक दो कोर्स बाय करने से नहीं होगा। हमें इन्वायरमेंट की जरूरत है, हमें किसी पर्सन की जरूरत है जो हमें इन्वायरमेंट दे, जो उस चीज का एक्सपर्ट, जिसके पास आंसर्स है। हमें वो आंसर्स ढूंढना पड़ेगा। और एक और चीज आपने अगर एक्सपीरियंस किया नहीं कि आपको देखो जो बेस्ट कंटेंट है वो बुक्स में नहीं है, वो ट्रेनिंग में है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया देन यू कैन एक्सप्रेस। जो बेस्ट कंटेंट है वो बुक में नहीं है। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ट्रेनिंग के कंटेंट कुछ अलग ही होते हैं, वो किसी बुक में नहीं मिलते कई बार। क्योंकि देखिए जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको पता है अगर वो सारी चीज बुक में लिख देंगे तो फिर वो क्या, फिर उनकी लाइफ कैसे चलेगी? अगर वो सारी चीज बुक में और सारी चीज वर्ड्स में फ्रेज नहीं किया जा सकता, एनर्जी को बुक में पोर नहीं किया जा सकता, वर्ड्स में पोर नहीं किया जा सकता। सो
सोचो आप सारे वाई वाई करेंगे तो आपसे यही मिस्टेक आएगी। एक ये हम लोग अपने आप को इंटेलिजेंट से वाइज की तरफ शिफ्ट करें। सो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इंटेलिजेंट होना आसान है, वाइज होना हम लोग उसको भी आगे और स्लाइड्स में समझेंगे कि वाइज होने का मतलब क्या है। रीजन नंबर नेक्स्ट रीजन या फर्स्ट रीजन, आपको ये चेक करना है कि अगर आपको अपनी डिजायर्ड रियलिटी से लव नहीं है तो उस फ्रिक्वेंसी तक अपने आपको रेस कैसे कर पाओगे। सपोज कीजिए प्रेजेंट टाइम पे आपकी इनकम है 30,000 रुपीज पर मंथ, जो कि बहुत कम होती है अब प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर आप एक फैमिली एंड ऑल सब कुछ आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख रहे हैं तो। आजकल स्कूल के बच्चों की फीस 10,000 होती है मेट्रो सिटी में। आप मान लीजिए आपकी इनकम 30,000 रुपीज है, आप चाहते हैं कि नहीं मंथली इनकम 1,00,000 रुपीज तो होनी चाहिए। तो जब तक आपको उस न्यू रियलिटी से अटैचमेंट नहीं होगा, जब तक आप कमिटेड नहीं होगी, वो पॉसिबल है, कभी हो सकता है, क्योंकि हमें अपनी फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करना है। हमें एक पर्सन 30,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है, एक पर्सन 2,00,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर रहा है, दोनों फाइनेंशियली अलग फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट करते हैं। सो जब 30,000 वाला जब रेजोनेट करेगा कि नहीं यार मुझे तो यहां तक पहुंचना ही है, कैसे भी करके पहुंचना है, जो भी सीखना पड़े सीखेंगे, जो भी स्किल डेवलप करना पड़े स्किल करेंगे डेवलप करेंगे, जो भी माइंडसेट डेवलप करना पड़े वो करेंगे। सो तभी वो पॉसिबल है। सो अगर आप इसको एग्री करते हैं देन यू कैन राइट R1। अगर आप इस रीजन को एग्री करते हैं देन यू कैन राइट R1, क्योंकि हम लोग को सीख के आगे नहीं बढ़ना है, हम लोग को अपने आप को प्रोग्राम करना है कि हाँ, क्योंकि यही पॉइंट्स है जो आपकी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं, डेस्टिनी को क्रिएट करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज आपका जो डिजायर्ड आउटकम है, उसी को हम लोग कई बार बोलते हैं कि एक वर्ड है आजकल जो फेमस हो रहा है कुछ दिनों से, इकिगाई। और कई बार कुछ चीजें फेमस केवल इसलिए होती है क्योंकि वर्ड नया होता है, सब कुछ पुराना होता है, बस हम लोग नए वर्ड से हम लोग को प्यार हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर आपको अपने आउटकम से, अपने गोल से अटैचमेंट नहीं है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप खुद जाके शीशे में आप देखो, खुद को बताओ आप क्या कर रहे हो। क्योंकि यही प्रोसेस है जो हमें ग्रोथ करेगा, यही प्रोसेस है जो हमें ग्रो करेगा, जो हमें इवॉल्व करेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं गेम ऑफ लाइफ, कि हम इवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे पर्सन हम लोग बेहतर हो रहे हैं। ये आपको कौन बताएगा ये बात, ये आपका जो ट्रू मेंटर है, जो आपका जो ट्रू वेलविशर है, वो बताएगा ना आपको ये बात। ये टीवी वाले थोड़ी बताएंगे आपको ये बात, आपको जो पॉलिटिशियन है वो थोड़ी बताएंगे आपको ये बात। आई होप मैं ये मैसेज करने का। सो एंड दीज थिंग्स आर नॉट इन्फॉर्मेशन, नॉट नॉलेज, ये स्किल है। अपनी लाइफ को इस इंफॉर्मेशन से ड्राइव करना, ये सब स्किल हम लोग को डेवलप करना होता है। एंड दिस इज द रीजन नंबर 2, वी आर नॉट इन लव विद द वन मेंटर। आप समझिए, हम लोग को कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, और हम लोग को सब कुछ सीखने की जरूरत है कि व्हाट एंड हाउ, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। और आपको ये तीनों आंसर अगर किसी एक जगह मिलेगा तो कोई लाइव पर्सन बता पाएगा, बुक में आप नहीं ढूंढ पाओगे। क्योंकि बुक आप 100 बुक पढ़ोगे तो शायद उसमें कोई एक व्हाट बताए, और 100 बुक पढ़ोगे तो शायद उसमें एक वाई बताए, और 100 बुक पढ़ोगे तो उसमें शायद कोई एक हाउ बताए। तो हम लोग कोई तो पूरी लाइफ ही ऐसे निकल जाएगी ना। सो अगर आप इसको इनवाइव कर पा रहे हो, आप ये आपको मैं ये नहीं करूँगी आप मुझे कनेक्ट करो, आप किसी को भी आप ढूंढो, आप वन पर्सन आपको ढूंढना पड़ेगा, दिस इज द इजिएस्ट वे। और अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हो तो ये आपकी कमी, किसी से भी जर्नी शुरू कर दो, आप किसी से भी जर्नी शुरू कर दो, जब आपको लगे कि सारे सामने वाले की बातें खत्म हो गई ना, तो फिर आप आगे बढ़ जाओ। जैसे कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि वो किसी यूट्यूबर की पहले वीडियो देखते थे, शायद आप सेशन में भी होंगे, नाम मुझे ध्यान दिया है। तो फिर उन्होंने कोई कोर्स लॉन्च किया, तो उन्होंने 6,000 pounds का कोर्स वो कर लिया, बाय किया। फिर वो बता रहे थे कोर्स में बस वो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की घिसी पिटी बातें बता रहे हैं वो। ठीक है, वो तो शुरू किया ना, आप दूसरे को ढूंढो, कोई बात नहीं मतलब। सो क्योंकि देखिए लाइफ में जो अच्छे डॉक्टर, अच्छे मेंटर भगवान आसानी से नहीं मिलते, लेकिन हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्हीं के पास है। सो अगर आप इसको इन्वाइट कर पा रहे हो देन यू कैन राइट R2। नॉट एबल टू सरेंडर टू वन मेंटर, आपको ढूंढने की जरूरत है कि हु इज दैट वन पर्सन, आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, और वो कौन सा एक पर्सन है जो आपको आपकी लाइफ में रियल हैप्पीनेस ला सकता है। हम लोग की लाइफ में हैप्पीनेस आते हैं जब हम लोग अपने ब्रेन को चेंज करते हैं, जब हम लोग बिजनेस में तो बिजनेस की स्किल सीखते हैं,
जब लोग ये चीजें सीखते हैं तब हम लोग की लाइफ में शिफ्ट आता है। जैसे मान लो अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो वहां पे दो तीन रीजन होते हैं। एक तो आपके मनी बिलीफ वीक है, आपके मनी ब्लॉकेज है, वो आपकी लाइफ में फाइनेंस को अट्रैक्ट नहीं होने देता है। दूसरा रीजन होता है कि आपकी जो बिजनेस स्किल है, आपकी जो सेल्स मार्केटिंग स्किल है, वो आपको सीखना पड़ता है। सो अगर आप इससे इनवाइव कर रहे हैं, देन यू कैन, आपको ढूंढना है कि हु इज दैट वन पर्सन, कौन मेरी हेल्प करेगा। लेकिन आप ढूंढोगे तभी जब आप अपने आउटकम को लेके कमिटेड हो गए। कुछ चीजें मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सबकॉन्सियस में जाए। थैंक यू नीता जी, आपका फेथ ज्यादा है ना, इसलिए आप हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हो। सो इट्स क्रेडिट आपको जाता है। नहीं, वाई? बिकॉज, और हमें ये क्यों करने की जरूरत है, क्योंकि वेन यू चेंज योर एनर्जी, यू चेंज योर लाइफ। देखिए, हम लोग की लाइफ कुछ सीखने से नहीं चेंज होती है। जब हम लोग अपनी एनर्जीज को चेंज करते हैं तब हम लोग की लाइफ चेंज होती है। और आपकी एनर्जी को चेंज करने में ये पूरा तीनों प्रोसेस हेल्प करेगा। जब आप इंटेलिजेंस से विजडम की तरफ जाते हैं, जब आप अपना जो आपका जो डिजायर्ड गोल है, आउटकम है, जब उससे ऑब्सेस्ड होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में मुझे अभी जो रैंडम ध्यान आ रहा है वही शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी क्यों इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि ना उसको आउटकम उसको क्लियर है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है। इसलिए कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी इतने इलेक्शन हारने के बाद भी वो लोग लगे हुए, क्योंकि उसको अपने आउटकम से वो है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट, कि एक मेंटर ढूंढ लो, आप एक किसी पर्सन को पकड़ लो जो भी आपको सबसे प्रॉमिसिंग लगता हो कि आपके प्रेजेंट से आपके डिजायर तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। और वो करेज शो करो, आप वो रिस्क लो, आप करेज शो करो कनेक्ट करने की, फॉलो करने की। अगर अगला आपको आपकी जर्नी को पूरा नहीं करेगा कोई बात नहीं, आप दूसरा ढूंढना, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। और इसी से दिस इज हाउ वी चेंज आवर एनर्जी। सो अगर हम लोग यहां तक साथ हैं, देन एक्सप्रेस एंड व्हाट इज द इमोशन ऑफ द मोमेंट। सो हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की। व्हाट इज द सॉल्यूशन? एक प्रिंसिपल है, शायद आपने कुछ लोगों ने सुना होगा। आई लर्न दिस फ्रॉम वन ऑफ माय मेंटर। मैं भी मेंटर ऑब्सेस्ड हूं, मतलब क्योंकि लाइफ में बहुत तरह के लव होते हैं, और एक ना मेंटर से भी एक लव होता है, और वो बड़ा अलग तरह का लव है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने लास्ट टाइम, और कई बार देखिए मेंटर वो नहीं होते, जैसे मान लीजिए कि आपके आपके फादर किसी को, आपके पेरेंट्स किसी को मेंटर मानते हैं, उनका पैर छूना तो आप भी पैर छूटे, वहां कनेक्शन नहीं बना, वहां पे ना अभी कुछ एक वो नहीं हुआ। लास्ट टाइम आपने कब अपने मेंटर का पैर छुआ था? अगर कभी नहीं है तो यू कैन राइट नेवर, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लाइफ का आंसर नेवर होता है, क्योंकि हमने कभी ऐसे सोचा ही नहीं है। लास्ट टाइम कब आपने अपने मेंटर का पैर छुआ था? ज्यादातर आंसर होगा नेवर, एग्जैक्टली, क्योंकि और मेंटर का मतलब जिससे कनेक्ट कर रहे हो, जिससे आपकी वाइब्स मैच हो रही है। जो आपकी जिसकी इंफॉर्मेशन, जिसकी एनर्जी आपकी लाइफ को शिफ्ट कर रहा है, आपकी लाइफ को चेंज कर रहा है। सो ट्राई टू आंसर, अगर नेवर है तो नेवर लिखिए, क्योंकि जो लाइफ की हकीकत है। हाँ, तो वही हुआ ना, डोंट हैव अ मेंटर। Thank you. So, what is the ASAP formula says? आपने ये नाम सुन रखा है या फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं? आई होप आपने, मतलब जो भी आपका आंसर आपको दीजिए, क्योंकि दिस इज आई हैव लर्न फ्रॉम वन ऑफ माय मेंटर। अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये ASAP formula, then you can type first time. अगर आप सुन चुके हैं तो you can.
चलिए क्विज खेलते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप, ठीक है? आपने मान लीजिए बहुत बुक पढ़ी है जो भी, आप बताओ आज का जो टॉपिक था मैंने किस बुक से लिया है? ट्राई टू गेस, आज का जो टॉपिक था मैंने किस बुक से लिया है, गेस कीजिए। सो ट्राई टू आंसर जो भी आपको लगता है। चलिए मैं बताती, मेरे एक मेंटर है वो मंडे को नोएडा आए हुए थे, तो मैं उनसे मिलने गया था, तो मैं उनको ड्रॉप करने एयरपोर्ट गया था। सो जब मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया ना, तब मैंने इस चीज को फील किया, इस चीज को जो मैंने आपको आज शेयर किया, जो मैंने फील किया ना, मतलब जो भी साथ में टाइम स्पेंड करके, वो उस एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको एक बार, आपकी लाइफ में चेंज किसी एक पर्सन से, कोई एक पर्सन लेके आएगा। वो पर्सन कौन है वो आपको ढूंढना है, और उस पर्सन को आप तभी ढूंढोगे जब आपको वो वन आउटकम पता होगा जिसको आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, क्रिएट करना है। तो अगर आप इस बात को एग्री कर रहे हो देन यू कैन टाइप एग्री। और अगर आप अपनी लाइफ को इस तरीके से नहीं जी रहे हो तो आप इंटेलिजेंटली अपनी टाइम को, लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। सो चलिए मैं आपको ये फॉर्मूला शेयर करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ASAP फॉर्मूला को जानते हैं, सो व्हाट इज ASAP सेज? ASAP स्टैंड्स फॉर एज स्किल्ड एज पॉसिबल, क्योंकि हम लोग की लाइफ में जो भी डिजायर्ड सक्सेस आने वाली है, मैनिफेस्टेशन एक स्किल है, बिजनेस एक स्किल है, सेलिंग एक स्किल है, हम लोग अपने विशेष को मैनिफेस्ट कर पाए, जो मैनिफेस्टेशन वो स्किल है, जो हम लोग प्रैक्टिस कर करके स्किलफुल होते हैं। क्रिकेट खेलना एक स्किल है, तो हम लोग कई बार क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट स्किल्ड। जैसे आपका अगर मनी अट्रैक्शन वीक है तो आपकी स्किल की कमी है। सो अगर आप इस बात को एग्री करते हैं देन यू कैन राइट स्किल। अगर आप इस बात को एग्री करते हैं कि टाइप स्किल की, ये हर चीज स्किल है। जैसे ना देखिए, कुछ चीजें मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मतलब जैसे हम लोग जो भी लाइव सेशन करते हैं, हम लोग कई चीजें बार बार रिपीट करते हैं ताकि हम आपके वो सबकॉन्शियस लेवल पे चले जाए, आप आपकी स्किल का वर्क करना शुरू करते हैं। आज हमने जो भी सीखा, अगर वो आपका स्किल होगा तभी आपके लिए वर्क करेगा। आउटकम सेंट्रिक लाइफ जीना, अपने आउटकम से के लिए कमिटेड होना, चाहे वो कुछ भी आउटकम है। जैसे हम लोग एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ चाहते हैं, वो भी तो एक आउटकम ही है ना। सो वो एक स्किल है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इन्फॉर्मेशन जान गए और अब आप कमाल कर दोगे, ऐसा नहीं है। ये हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, ये स्किल डेवलप करना पड़ेगा। सो दिस इज एज स्किल्ड एज पॉसिबल। सेकेंड इज एज स्पिरिचुअल एज पॉसिबल। बिना स्पिरिचुअल हुए हम लोग लाइफ के जो हाई वाइब्रेशन के जो इमोशन है वो हम लोग एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जो फीलिंग ऑफ लव है, फीलिंग ऑफ ब्लिस है, फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस है, जो भी हायर इमोशंस है जिसको हम लोग आगे देखेंगे, सॉरी टाइम हम लोग थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। सो दैट इज एज स्पिरिचुअल एज पॉसिबल। और स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है ये भी हमें सीखना पड़ेगा। हमें पता ही नहीं कि स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल होने, जैसे रिच होने का मतलब पता है कि ठीक है, उसको डिफाइन फिर भी किया जा सकता है। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है ये तो हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी। ये तो एक मिस्ट्री है, स्पिरिचुअलिटी एक मिस्ट्री है। ये हमें सीखना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या है। इज इट ट्रू? जैसे मुझे एक इंसिडेंट मैं शेयर कर, मतलब मुझे ध्यान आ रहा है, मैं शेयर करता हूँ। काफी टाइम पहले ना, मैं एक फिर एक वर्क फ्रेंड थे, मुझे क्लाइंट वर्ड ठीक नहीं लगता, वर्क फ्रेंड वर्ड मुझे ठीक लगता है। तो वो मेरे से थोड़ा सा ना वो सीखते थे, मतलब मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी मेरे सीखते थे।
और वो जैसे गिटोरनी में रहते हैं वहां पे फार्म हाउस है, तो काफी मतलब वेल ऑफ है, मतलब वो काइंड ऑफ सेलिब्रिटीज उसमें आते हैं, तो जो भी एक रिच लाइफस्टाइल होती है सब कुछ उनकी। तो वो मेरे साथ ना वॉक करते थे, तो एक बार उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपको जलन नहीं होती मतलब मेरी मतलब मैं इतना रिच हूँ ये वो। मैंने कहा सर देखो आपकी जो रिचनेस है ना छोटा सा बच्चा भी देख लेगा, लेकिन जो मेरी रिचनेस है ना उसको समझने के लिए ना बहुत अक्ल चाहिए, तब मेरी रिचनेस को आप पकड़ पाओगे। तो जलन तो आपको होना चाहिए मेरे से, मुझे आपसे क्यों होगा। मैंने कहा आप तो मेरे से बहुत पीछे हो। कहीं बोला कि आपकी जो रिचनेस है ना छोटा सा बच्चा ही बता दे कि आप रिच हो, लेकिन जो मेरी रिचनेस है ना वो समझने के लिए समझ चाहिए कि वो कौन सी रिचनेस मैं कैरी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जलन तो सर आपको नहीं चाहिए मेरे से, कि आप पूरी लाइफ बस इन्हीं सब चीजों में निकाल दिए। सो ये जो वर्ड है दिस इज द मिस्टीरियस वर्ड, और ये वर्ड आपको वही समझा सकता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है ना ये बिल्कुल एक उसको ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए एक गुब्बारा है, तो जिसका गुब्बारा जितना फुला हुआ है ना वो उतना ही आपको एक्सप्लेन कर पाएगा। जैसे स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा वर्ड है जो हर एक पर्सन यूज करता है, मतलब ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी आप ऐसे समझिए कि जिसका गुब्बारा जहां तक फैला हुआ है उसको बस उतने का ही पता है। और कई बार क्या होता है ना कुछ लोग बस वर्ड्स यूज करते हैं, उन वर्ड्स का क्या मतलब है उनको भी नहीं पता होता है, या कुछ वर्ड्स में इतनी डेप्थ होती है ना जिसको मैं समझने में सालों लग जाते हैं। जैसे कुछ वर्ड समझने में मुझे सालों लगे, जैसे फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस वर्ड पहली बार मैं सुना था 2010 में, लेकिन मुझे इसको वर्ड्स को समझने में 6-7 साल लग गए। अवेयरनेस वर्ड मैंने वही 2009 समथिंग ऐसे सुना था, इस वर्ड को समझने में मुझे 6-7 साल लग गए। सो अगर मैं मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ देन यू कैन एक्सप्रेस। स्पिरिचुअल रिलीजन एक्चुअली कई बार क्या होता है ना वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है, अगर कुछ वर्ड बहुत ज्यादा कुछ वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी अगर खराब हो जाती है तो वर्ड्स को चेंज करना पड़ता है। तो रिलीजन वर्ड ना बहुत तब उस वर्ड को इतना ज्यादा मिसयूज हो चुका है कि अब वर्ड्स को चेंज करके स्पिरिचुअलिटी यूज करना पड़ रहा है। अदरवाइज जो रिलीजन वर्ड है वो ज्यादा डेप्थफुल वर्ड था, स्पिरिचुअल उतना डेप्थफुल वर्ड नहीं था। लेकिन सो आई होप मैं आंसर कर पाया। एंड द थर्ड मैसेज इज एज सून एज पॉसिबल। सो ये तीन चीजें हैं जो हम लोग को एज स्किल्ड एज पॉसिबल, एज स्पिरिचुअल एज पॉसिबल, क्योंकि स्पिरिचुअल स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म होना यही हम लोग की अल्टीमेट, हम लोग की डिजायर यही होती है। हम लोग जो ह्यूमन जर्नी में आते हैं ना पहले हम लोग की छोटी छोटी जर्नी होती है, जैसे हिंदुइज्म में उसको एक्सप्लेन करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो बहुत सिंपल टीचिंग थी लेकिन हम लोग उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि कोई उसको बताने वाला नहीं है। जैसे चार वर्ड यूज होते थे उसमें सब कुछ आ जाता था कि हमें चार चीज का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। धर्म का मतलब हमारा जो भी हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो भी धर्म है, जो भी हमारी जिम्मेदारी है। अर्थ मतलब हमारा जो फाइनेंसेस है उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। काम जो भी हम लोग का जो इंटीमेसी लाइफ होती है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मोक्ष जो हम लोग का जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है। सो दीज आर द थिंग्स एज स्किल्ड एज पॉसिबल। स्किल किस लिए? ताकि हम लोग अपनी लाइफ में डिजायर्ड रियलिटी को क्रिएट कर पाए। स्पिरिचुअल किस लिए? ताकि हम लोग अपने प्लेन को शिफ्ट कर पाए। एज सून एज पॉसिबल इसलिए क्योंकि अगर आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, अगर आप अपनी लाइफ में डायमंड को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, गोल्ड को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में कोई कोयला मिट्टी भूसा ये सब भर देगा। सो अगर हम लोग यहाँ तक साथ हैं देन यू कैन एक्सप्रेस। अगर आप चीजों को एंजॉय कर रहे हैं देन यू कैन राइट एंजॉयिंग। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज आवर एनर्जीज। एज सून एज पॉसिबल का कंटेक्स्ट ये है कि देखिए मतलब सिंपल सा, सबसे पहले हमें हमारा आउटकम पता होना चाहिए, हमें हमारा आउटकम अचीव करने में
हमसे हमें सबसे बेस्ट एंड फास्टेस्ट हेल्प कौन कर सकता है, और जो भी वहां से हम लोग जो भी सीख रहे हैं, जैसे आप ऑलरेडी हम लोग की कम्युनिटी के पार्ट हैं, उसको जितना तेजी से हो सके उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, उसको प्रायोरिटाइज कीजिए. सो दिस इज कि हम लोग उसको फास्टेस्ट वे में उसको हम लोग अचीव करने की कोशिश करें एज सून एज पॉसिबल, ताकि हम लोग के माइंड में कोई और स्पेस कुछ भी नहीं. सो आज के टॉपिक हम लोग कंक्लूड करें, और एक दो चीजें चलिए हम लोग आगे सीख लेंगे. स्किल चूज कैसे करें, एग्जैक्टली नो क्वेश्चन. सो अगर आप इस जर्नी पे चलना चाहते हैं, देन हाउ टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ टू रेज द हाईएस्ट वाइब्रेशन यू कैन रेजोनेट इन दिस लाइफ टाइम. सो अगर आप इस आउटकम से रेजोनेट करें, देन यू कैन टाइप रेजोनेट. आपने आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ताकि अपने आप हाईएस्ट वाइब्रेशन पे रेजोनेट कर सकें इन द सेम लाइफ टाइम, ताकि आप एक्सपीरियंस कर सकें द बेस्ट ऑफ ब्लिस लव एंड वेल्थ यूजिंग द विजडम सीक्रेट्स दैट इज इवन मिस्ड बाय द बिलियनेयर्स एंड सेलिब्रिटीज. ये प्लेन शिफ्ट होता है, जैसे जो वाइब्रेशन का मतलब ये होता है कि देखिए जैसे हम लोग ये ना सेवन प्लेन्स होते हैं हम लोग की लाइफ के. और हम लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हम लोग कैसे अपने प्लेन को कितना शिफ्ट कर पा रहे हैं. और जो हायर इमोशंस है, मतलब जैसे ये जो ऊपर के जो तीन प्लेन है इसको हम लोग हेवन बोल सकते हैं. ऊपर के जो तीन प्लेन है, तो कैसे हम अपने फ्रिक्वेंसीज को हम लोग जो भी हम लोग आपके जो ब्लॉक्स है उसको रिमूव करके, और उसमें हम लोग को ये प्रोसेस हेल्प करता है. हम लोग के बॉडी के ना फाइव लेयर्स होते हैं. सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है उसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी. उसके अंदर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एनर्जी बॉडी. जैसे हम लोग जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं प्राणमय कोश. मतलब प्राणमय कोश का मतलब हम लोग जो सांस ले रहे हैं उससे हम लोग के बॉडी में जो एनर्जी आती है उसको प्राण एनर्जी बोलते हैं. तो उसकी एक लेयर होती है. तो ये दोनों हमारे फिजिकल हेल्थ को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है. हमारी फिजिकल बॉडी और हमारी एनर्जी बॉडी हमारे फिजिकल हेल्थ में ये डोमिनेंट रोल प्ले करती है. उसके नीचे हम लोग का एक लेयर होता है, और ये मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने इसको लाइफ में एक्सपीरियंस कैसे किया वो मैं आपको शेयर करता हूँ. उसके नीचे एक लेयर होता है हम लोग की बॉडी का, उसको बोलते हैं मेंटल एंड इमोशनल बॉडी. यहाँ पे इमोशनल बॉडी लिखा है, वो हम लोग का मेंटल एंड इमोशनल बॉडी होता है. उसके अंदर एक लेयर होता है, उसको बोलते हैं विजडम बॉडी. और उसके अंदर एक लेयर होता है, उसको हम लोग ब्लिस बॉडी बोलते हैं. जैसे कई बार आपने सुना होगा कि जो हम जिसको बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे अंदर है, परमात्मा अंदर है, ये सब जो बातें होती हैं उसके पीछे का यही साइंटिफिक फैक्ट है. और हम लोग को यहीं तक पहुंचना होता है, लेकिन हम लोग यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमारे जो मेंटल ब्लॉकेज होते हैं, इमोशनल ब्लॉकेज होते हैं, और हमारे जो विजडम ब्लॉकेज होते हैं, इसकी वजह से हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाते. इसको मैंने एक्सपीरियंस ऐसे क्या मैं आपको बताता हूँ. एक मैं वन टू वन सेशन कर रहा था सचिन जी हम लोग कम्युनिटी में, तो उनका पास्ट काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड था. तो उनको एनर्जी सेशन की जरूरत थी. मतलब उनके ऊपर ये कुछ माइंड की बातें वर्क ही नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका माइंड फंक्शन ही नहीं कर रहा था. वो चीजों को समझ ही नहीं पा रहे थे. मतलब जो हम लोग के जो बिलीफ पैटर्न्स वो समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो उनका जो माइंड है ना वो कंसीव ही नहीं कर पा रहे थे चीजों को. तो उनके साथ जब एनर्जी सेशन हमने स्टार्ट किया, तो उनके जो पांचों बॉडीज थी वो पूरी स्कैटर्ड थी. मतलब वो आपस में कनेक्टेड नहीं थी, जो भी उनके वीक पास्ट या जो भी रीजन की वजह से. तो फिर उनको हील करने में लगा कि इनकी एनर्जी, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एनर्जी को चैनलाइज करते हैं. जैसे नॉर्मली हम लोग उसमें एनर्जी सेशन में हम लोग एनर्जी को नीचे से ऊपर तक मूव करते हैं. प्लेन थे, मतलब जैसे उनका जो मूलाधार था वो बाकी प्लेन से कनेक्टेड ही नहीं आ रहा था.
फिर मुझे वहां पे इसको और एक्सप्लोर किया, तो फिर हम लोग को इस चीज को, फिर उनकी जो पांचों बॉडीज है उसको अलाइन करना पड़ा, वो एक अलग प्रोसेस होता है एंड। सो जब हम लोग इन सारे ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं, अपने मेंटल ब्लॉकेज, अपने इमोशनल ब्लॉकेज, उसमें यही सब मेंटल ब्लॉकेज, इसमें यही सब आते हैं, हमारे परसेप्शन, हमारे बिलीफ, हमारे ये सारी चीजें। और फिर जब हम लोग अपने विजडम ब्लॉक को, जब सारे ब्लॉक्स हम लोग रिमूव कर लेते हैं, तब हमारा जो आउटर सेल्फ है हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाते हैं, तब हम लोग उसको वहां तक अपने आप को रेज कर पाते हैं, तब हमारा जो डोमिनेंट होता है, हमारी जो सोल बॉडी है वो ज्यादा डोमिनेट करती है। सो इस गोल को अचीव करने के लिए, जहां पे अपने आप को आप ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को आप रेज कर सकते हैं टू द हाईएस्ट वाइब्रेशन, ताकि अपने लाइफ में आप ब्लिस को, लव को, वेल्थ को एक्सपीरियंस कर पाए, उसके हम लोगों ने अभी लॉन्च किया है, 6 मंथ तक हम लोग साथ में वर्क करेंगे। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो मैं उसकी डिटेल आपको शेयर कर दूंगा, अदरवाइज हम लोग कोई भी क्वेश्चन आंसर है तब करके क्लोज करेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आंसर तुम लोग कर सकते हैं। ओके फाइन, मैं उसकी डिटेल शेयर कर देता हूँ, हाउ टू सेट इंटेंशन, उसका मैं एक बार बस लिंक एंड प्रोसेस शेयर कर देता हूँ। इसमें आपको हम लोग का जो प्रोसेस है वो कुछ Yes, अभी 6 मंथ बोल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम लोग 6 मंथ में 3 मंथ का हम लोग बोनस करेंगे, तो इसमें आप 999 पे करके आप एक उसका हम लोग एक 1-to-1 सेशन करेंगे, वहां पे हम लोग डिस्कस करके देखेंगे कि वहां पे आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा पूरा प्रोसेस कि हम लोग क्या क्या एरिया पे वर्क करने वाले हैं, एंड उसके बाद हम लोग फिर उसको प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आंसर तुम लोग सोच हाउ टू सेट इंटेंशंस, देखिए उसमें ना अपने अपने आप को ना जस्ट अलाइन करना होता है। इंटेंशन सेट करने का मतलब ये समझिए कि सबसे पहले ना हम लोग को ना जैसे अपनी जैसे हम लोग की जो अटेंशन एनर्जी होती है वो स्कैटर्ड होती है, तो हम लोग को सबसे पहले अपने आप अपनी एनर्जीज को अलाइन करना होता है, और जो भी हमारा जैसे जो भी हमारा वो है आउटकम है, हम लोग को एक इंटेंट क्रिएट करना होता है कि हमें जैसे आई वॉन्ट टू रेज माई सेल्फ to the frequency of, to the vibration of achieving this. So, इस तरीके से हम लोग अपना intention set करते हैं। I hope आप same question पूछ रहे हैं। हाँ, ये just इसका मतलब आप इसके लिए apply कर सकते हैं इससे, और उसके बाद हम लोग फिर एक 1-to-1 session आपसे schedule करके फिर further process and everything हम लोग share करते हैं। इसकी जो details है मैं देखता हूँ, अगर वो तो मैं दिखा, बाकी हम लोग का जो 3 मंथ का होता है, आई होप आपने इसे सब लोगों ने उसको कर रखा होगा, बाकी मैं उसको प्रिपेयर नहीं कर पाया थी। ओके, आई होप मैं आपको आंसर कर पाया, अगर मैं नहीं कर पाया, आई एम आस्किंग इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, उसमें तो फिर सेम ही तरीका है जो मैंने आपको बताया, जस्ट हम लोग को अपनी एनर्जीज को अलाइन करके अपना जो द वन विश है हम लोग को उसको फाइंड आउट करना है, वो हम लोग को लिखना है, और फिर हमें इंटेंट क्रिएट करना है कि वी आर दिस इज व्हाट आई वांट टू अट्रैक्ट इन माय लाइफ। सो इस तरीके से हम लोग इंटेंशन सेटिंग कर सकते हैं। सेंड लिंक ऑन व्हाट्सएप, चलिए सेशन के बाद हम लोग वो ग्रुप में शेयर कर देंगे उसे।
शिप्राजी, वो सेम है, जस्ट वो वन टू वन एक्चुअली उसका प्रोसेस है कि हम लोग एक वन टू वन करते हैं, तो मुझे उसका टाइम नहीं मिला, तो इट कैन बी शॉर्ट टर्म आउटकम। हाँ एग्जैक्टली, शॉर्ट टर्म आउटकम के लिए ही करते हैं हम लोग। आप शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोग ये हम लोग का जो 3 मंथ का है ये पूरा प्रोसेस को कर चुके हैं, वो 6 मंथ पे हम लोग ये सारी चीजों को साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। और भी हम लोगों ने इसको और भी एडवांस किया, मैं आगे शेयर कर दूंगा। इसमें हम लोग सारे एरिया पे वर्क करेंगे, आपका जो मॉर्निंग रिचुअल्स आपको जो शुरू के मतलब हम लोग उसपे सारा सब कुछ वो इसमें कवर कर रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे आपका जो मॉर्निंग रिचुअल्स क्या होना है, शुरू के दो 3 घंटे का आपका जो पूरा शेड्यूल है वो क्या होना है, जो हम लोग जो डे टाइम में जो हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के क्या है हम लोग उसको वो कवर करेंगे, जो आपका जो नाइट रिचुअल्स है वो मतलब हम लोग इसमें पूरा इस पर हम लोग कंप्लीट उसको कर रहे हैं। और हम लोग सारा वो ये जो 6 मंथ का है वो पूरा 100% इम्प्लीमेंटेशन है हम लोग इसमें। वीक में हम लोग 2 लाइव सेशन करेंगे, एक सेशन हम लोग का एक जो जो रूटीन होता है ये वाला, और एक सेशन इम्प्लीमेंटेशन, और जो भी चीज हम लोग यहाँ कवर नहीं कर पाते वो सारा हम लोग वहां पे कवर करेंगे। मैं एक बार दिखा देता हूँ, चाहे वो बिजनेस स्किल्स की चीजें हैं हम लोग उसमें वो भी करेंगे, इनर अलाइनमेंट जो है, सोशल इंटेलिजेंस जो है हम लोग जहाँ जहाँ लैक करते हैं, प्रोडक्टिविटी के कुछ नए कुछ टूल्स हम लोगों ने सीखा है डेवलप किया है हम लोग वो सीखेंगे। सो ये सारी चीजें हम लोग वहाँ पे करेंगे, इसको हम लोगों ने थोड़ा कम किया है। फर्स्ट टाइम लोग 9 मंथ का करेंगे, उसके बाद हम लोग सो ये प्रोसेस है। थैंक यू नीता जी। हाँ, जो हम लोग का जो बिंज सेलिब्रिटी क्लब है वो 3 मंथ का है, और जो इंटेंसिव है वो 6+3, पहली बार 9 मंथ का हुआ, फिर हम लोग 6 मंथ का करें। तो अगर आपने ये इसको रिपीट करना चाहते हैं तो या तो आप पहले जैसे भी आपको ठीक लगे, इसमें हम लोग ये 6 एरिया पे इस पे वर्क करते हैं, एंड दिस इज द फाइनल। अब कोई भी क्वेश्चन आंसर हम लोग कर सकते हैं।